देखो सुबह सुबह अनवी अर्णव लगे हैं अपनी ड्यूटी पे पानी पानी देने की ड्यूटी पे, पौधों को पानी दे रही है और पूरा लॉन गीला कर दिया। मैं झाड़ू कैसे लगाऊंगी उसमें? अच्छा झाड़ू कैसे लगाऊंगी मैं? ओ देखो कहाँ पे पानी दे रहा है। गाइस अभी बज गए हैं 9:30, अर्णव चला गया स्कूल है करो तो 51। तो अनवी पढ़ रही है अपना, कल इसका एग्जाम है, साथ में नाश्ता भी कर रही है और मासी ने बनाए आज पराठे, पराठे खाएंगे आलू के, है ना। और ये देखो क्या ही हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है इसमें। और आज ना सुबह से मतलब इतने सारे काम कर डाले हैं मैंने, और इतना जल्दी 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 कि मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। तो एक तो ये वाली जो है शूरैक हमारी, जो बखारी हम बोलते हैं इसको, ये क्लीन कर दी। और विंटर्स के जितने भी कपड़े थे वो छांटे हैं, जो धोने के हैं वो धोने के लिए निकाल दिए, जो बिना धोने के हैं उनको समेट कर पाउच में डाल दिया है, वो बेड में रखूंगी, तो वो काम भी चल रहे हैं। साथ के साथ आज मैं ये भी सोच रही हूँ, इसका कवर निकाला था ना, आज ये कवर भी लगा दूँ और थोड़ा सा ये पर्दा भी फटा हुआ वो भी सील दूंगी, साथ ही जो पर्दे थोड़े से बच गए थे वो भी धोने के लिए डाल आई हूँ। आ गया है मेरा पराठा विद चटनी और अभी मैं ये खाने वाली हूँ। तक नहाई नहीं हूँ, नहाऊंगी आराम से क्योंकि और भी बहुत सारे काम मैंने फैला रखे हैं, वीडियो नहीं बनाया, सब जल्दी जल्दी किया है, बट वीडियो अभी मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इतना फैला रखा है मैंने। एक पॉप क्विज है, मैं आपको एक चीज, आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, आपको आंसर इसके कमेंट में लिखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन बताती हूँ आपको, 765 765 को डिवाइड करना है 765 से, आंसर कमेंट में बताना, ठीक है? तो बस अभी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम करूंगी और आज आराम से नहाऊंगी क्योंकि बाल भी धोने हैं, बालों में मेहंदी भी मेरे नहीं लगी, देखो वाइट हो रखे हैं, बट क्या करें अभी टाइम भी नहीं है, मेहंदी वेहंदी भी कोई भी नहीं है मैंने, वरना तो मैं लगा लेती आज, बट कोई नहीं लगा लेंगे होली से पहले तो शायद लगा ही लेंगे, वरना फिर होली के बाद ही लगेगी। और चारों तरफ कंस्ट्रक्शन इतना होता है ना कि इंसान को बोलने भी नहीं देता कि वो बोलना क्या चाह रहा है, बड 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 यही चलता रहता है हमारे सारा दिन, क्या करें। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, वो देखो मैंने गाना गाया, उन्होंने म्यूजिक दिया है, तो चलो नाश्ता करते हैं, ठंडा हो रहा है, ऑलरेडी ठंडा हो चुका है। तो ये देखो मेरे रूम का हाल, तो ये सारे मैंने सॉर्ट आउट तो कर रखे हैं, उधर वो एक भर दिया धोने के बाथरूम में डाला ही, और अभी ये थोड़ा सा और देखना है। ये एक बैग निकाल लिया था मैंने सूट का अपने, तो इसी में से निकाल निकाल के पहन रही हूँ मैं क्योंकि अलमारी में अभी जगह नहीं थी, तो एक जो सेक्शन था उसका ही मैंने ये निकाला है। और ये अर्णव और अनवी का गर्मियों का सूटकेस निकल आया है, इसमें उनके कपड़े हैं, वो देखती हूँ अभी, तो यही कर रही हूँ आज तो पूरा, गर्मियों का जितना भी कपड़े हैं वो निकल रहे हैं और उनको देखा जा रहा है क्या छोटे हो गए क्या काम आएंगे। और ये लीजिए, अच्छा इसमें मेरा भी दुपट्टे उपट्टे मैं ढूंढ रही हूँ कि दुपट्टे गए कहाँ मेरे, और यहाँ पे रखे हैं सारे, इसमें तो मेरा भी अड़ंगा काफ़ी है, मुझे पता ही नहीं मैंने इसमें रखा है, बोलो। तो चलो अभी मैं इसमें देखती हूँ, देखो इतना सब मेरा निकला है इसमें से, दुपट्टे हैं कुर्ते भी हैं, ये एक दो कुर्ते तो मुझे ठीक भी करने हैं, और ये बच्चों का आ गया, तो बच्चों के मैंने ऐसे नीचे ऐसे इस तरीके से रख दिए थे ताकि खूब सारे आ जाएं। और मेन तो मुझे ये वाली जो अर्णव की स्कूल ड्रेस है इसके लिए चाहिए था ये सूटकेस नीचे, क्योंकि सारे बच्चे गर्मियों के कपड़े पहनने लग गए और वो विंटर्स में जाता है अभी भी, बट कोई नहीं अब निकाल लिया, अब कल से उसको ये पहनाऊंगी। और मेरे वाले जो हैं वो रख देती हूँ छांट कर, और बच्चों के गर्मियों के एक बार तो इसी में रखूंगी क्योंकि उनकी भी अलमारी मुझे सॉर्ट आउट करनी है, उसके बाद ये रखूंगी और सर्दियों के इसमें आएंगे, ठीक है। हमेशा ना हर बार मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि विंटर्स के कपड़े निकालती हूँ गर्मियों के रखती हूँ, ऐसा ही कुछ तो ये मैंने सोचा इस बार मतलब बोर ही हो जाओगे आप लोग, तो डायरेक्ट ही मैं कर रही थी। तो यहाँ पे देखो मेरे सारे वुलन्स आ गए, ये सारे मेरे वुलन्स हैं, उसमें भी है ये जैकेट, तो इस बार निकला ही नहीं, ऐसे कैसे बेड में ही था। ये सारे सूट जो मैंने पाउच में भर भर के रखे थे आपके साथ शेयर किया था, वो सारे पाउच
इसमें से ही निकाल के एक बार इधर रखे हैं, ये सारे मुझे बाहर निकालने हैं। और ये सेक्शन खाली है क्योंकि इसमें आप देख सकते हो वहाँ पे वो जो साड़ियों वाला है, पूरी साड़ियाँ पेटीकोट ये सब आएंगे, तो वो मैं अभी नहीं करने वाली क्योंकि होली तक तो मैं साड़ी पहनूंगी और उसमें से कुछ कुछ साड़ियाँ मैं निकालूंगी। भाभी ने एक्चुअली ना इतने सुंदर सुंदर सूट करवाए हैं साड़ियों के, तो वो मुझे अच्छे लगे, तो मैं सोच रही हूँ कि उनमें से मैं छांट कर 2-3 साड़ियों के मैं भी करवा कर देखूँ, अगर फिट हो गए मुझे सही से सही लगे तो फिर और करवा लूँगी, बट एक बार 2-3 के करवा कर मैं देखने वाली हूँ। एक ना नया सूट भी निकला था, ये मासी ने दिया था, आपके साथ शेयर भी किया था रक्षाबंधन का, तो ये भी मैंने खोल कर देखा है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, फिर से उस टाइम भी अच्छा लगा था, फिर से अच्छा लगा, तो ये भी सिलवाऊंगी मैं, बट अभी नहीं, होली के बाद या तो गणगौर के बाद ही, क्योंकि अब तो 8-9 महीने गर्मियाँ ही हैं, सिलवा लेंगे कोई नहीं, तो वो बाद की बात है, निकाल तो लिया ताकि मुझे याद रहे। और अब ये सारे सूट जो हैं ये पाउच वाले, वो वहाँ पे एक बार मैं ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि बाद में इनको सेट करूँगी, मैं अभी कुछ सेट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ निकाल रही हूँ क्योंकि अभी मैं नहाने जाऊँगी, पहले नहाऊँगी उसके बाद देखेंगे, और भी मैंने काम सोच रखे हैं, पहले वो करूँगी, ये सब तो मैं बाद में भी जचा सकती हूँ, एक बार निकल गए मतलब ठीक है, निकालना ही ज़्यादा बड़ा टास्क था, निकल गए तो अब मैं अलमारी में तो कभी भी सेट कर दूंगी इनको। तो चलिए फटाफट से मैं इनको निकाल के साइड में रख लेती हूँ और इसको बंद करती हूँ बेड को, उसके बाद सेट करते हैं इनको। ये देखो इसके गर्मियों के कपड़े की एक साइड पे, वाह अच्छा, ये तो छोटी होगी, पहनी नहीं है तूने और छोटी भी कर ली, अच्छा। ये तो आती है तेरे, तो अभी फैला मत तो गुन्ना, भी मैं नहीं जचाऊंगी, जो तेरे को पहनना है वो निकाल ले और इसको कुछ मत फैला वापस, मैं इसको चैन बंद करके रखूंगी, सिर्फ मैंने चेक किए हैं दोनों की चैन खोल के क्या है, अभी कुछ फैला मत, हाँ इस सूटकेस में भी तुम लोगों के ही हैं, बट अभी कुछ मत फैला, पहले तुम लोगों की अलमारी खाली की जाएगी फिर ये निकाले जाएंगे। तो ये देखो पूरा ये निकाल लिए हैं, थोड़े उसमें रख दिए मैंने ऊपर, बट मतलब एकदम अच्छे से सेट नहीं किए हैं, वैसे ही रखे हैं क्योंकि नीचे वाला खाली करूँगी तब उसमें सेट होएगा। और इनके भी निकाल लिए ये पाउच और ये एक सूटकेस, तो अभी इनको बाद में सेट करेंगे क्योंकि इनके विंटर्स के क्लॉथ्स मुझे निकालने हैं पहले कबर्ड में से, उसके बाद ये फिट होएंगे। तो अभी फाइनली मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं 12 और मैं आ गई हूँ नहा के, और ये वाला सूट डाला है आज मैंने, ये एक्चुअली आपने दूसरी तरीके से भी देखा होगा, इसके नीचे भी वो स्लीव्स वाला मैं पहन लेती हूँ कई बार, इस बार मैंने श्रग डाला है, ये एक्चुअली ऐसे स्लीवलेस है तो स्लीवलेस पहन नहीं सकते, तो इसलिए श्रग डाल लिया है ये छोटा वाला, और ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। इसके नीचे पहना है मैंने ये प्लाजो जो कि ब्लैक कलर में ही है और ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। तो अभी तो क्या है ना, मतलब ना तो गर्मियां हैं एकदम ना ठंड है, अच्छा सा मौसम है, तो इस टाइम पे तो कैसे भी सूट पहनो, मोटे भी पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं, सहन हो जाते हैं, फिर जो मई जून जुलाई ये 3 महीने जो है ना भाई साहब, ऐसे ये सूट तो मतलब ऐसे मैं इस पे एक और कुछ ऐसा डाल लूँ सहन ही नहीं होगा, ऐसी वाली गर्मी पड़ती है तब तो ऐसा लगता है एकदम घिसे हुए पतले पतले चाहे फटे हुए ही हों वैसे सूट पहने, तब जाके कोई तसल्ली मिले, तो वो गर्मियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी, बट क्या करें करना पड़ता है। तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है तो ये अच्छा सा मौसम लगता है, जहाँ पे आप ऐसे ये सूट पे भी श्रग डाल लिया मैंने तो ये अच्छा सा लग रहा है मुझे, और अभी नहा के आई हूँ, बाल गीले हैं तो और भी ऐसे ठंडा ठंडा सा थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो बस अब नीचे चलते हैं, अनवी काफ़ी देर से अकेले है, वो बीच में आके भी चली गई कि मम्मा अभी तक नहाए नहीं हो आप, लेकिन मेरा काफ़ी काम सेट हो गया, देखो निकाल निकाल के रख दिया है मैंने, अब इनको कबर्ड में ही सेट करना है, एक्चुअली इनमें से ही निकाल निकाल के पहन रहे हैं हम कपड़े, बट कोई नहीं एक बार निकल गए मतलब जय हो। तो चलो अब नीचे चलते हैं फटाफट। तो गाइज मैं ये वाला दुपट्टा लेकर आई हूँ इस पे चढ़ाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि बैठे बैठे ये स्टिच कर दूँ क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास, अभी इसको स्टिच कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का लगेगा। ये पहले भी ग्रीन था बट वो पता नहीं वो डार्क मेल की वजह से हो गया गंदा होके या फिर कैसे, वो काफ़ी डार्क था, ये कुछ इस तरीके से लगेगा और
ऐसा हो जाएगा ये। तो चलिए फटाफट से इसको स्टिच कर देते हैं और नया बना देते हैं। मुश्किल काम है नहीं, फटाफट हो जाएगा। तो मैं कर लेती हूँ ये पहले। एक्चुअली कल ना मैंने अपने जितने भी वीडियोस थे सबको एडिट कर दिया, जितने बने हुए थे, अब उनके ऑडियो रिकॉर्ड करने हैं मुझे। तो 4, 5, 6 वीडियोस हैं जिनके मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करने हैं, बट वो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं ये वाला काम करूँगी क्योंकि अभी मुझे काफ़ी ऐसे ठंडा ठंडा ना अच्छा अच्छा सा लग रहा है, और ऑडियो रिकॉर्ड करने में मेरे को नींद आ रही है तो सोना नहीं है अभी। पहले ये काम करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो गाइस जैसा मैंने बोला वैसा कुछ हुआ नहीं, वो बीच में वैसा का ऐसा पड़ा है और मैं लैपटॉप खोल के बैठ गई। अनवी को मैंने कुछ इसने अपने कुछ 4 वो सॉल्व किए थे पेपर, तो वो दिखाने बैठ गई वो कि मम्मा पहले ये चेक करो। तो उसका चेक करने के चक्कर में उसका चेक किया मैंने, और फिर कब मैंने लैपटॉप खोल लिया, कब मैं इसमें लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और वो ऐसा कैसा इंतज़ार कर रहा है ओढ़े अपनी चुनरिया कि कब मेरा सिलाई हो। नहीं ये मेरा दुपट्टा है, मैं लगाती हूँ ये मैं यूज करती हूँ, वो दुपट्टा लेकर आई हूँ मैं। ये वाला कलर लगाओ, ग्रीन तो पहले ही था, तो ये मेरे से लड़ाई कर रही है। पिंक नहीं है तो इसको पिंक चाहिए बोलो, ये इस पे भी पिंक चाहिए, क्या करेगी पिंक का? वो पिंक लाइट कलर होता है और जल्दी गंदा दिखता है, ये डार्क कलर। तो ब्राउन कहाँ से लाऊं? ब्लैक करता है तो दुपट्टा में जो पहनती हूँ वो क्यों लगाऊंगी जो मैं यूज नहीं कर। हाँ तो मैंने चूज कर लिया, ग्रीन लगाएंगे, बस ग्रीन हो गया। इसको पिंक लगाना है बोलो, इस पे भी पिंक लगाना है, इस पे भी लड़ाई करनी है इसको। नहीं तो ये इसमें मैं बैठती हूँ, तुझे क्या करना है इससे ये बता पहले तो तू है। ये कौन सा तेरा बेड है जो इस पे सोएगी तू पिंक लगा के? नहीं यही लगेगा इस पे। तो अभी मैं एक वीडियो अपलोड करने में लगी हूँ जो कि अरे यार देख 2 मिनट में लोगों के मतलब इसके 851 व्यूज आ गए कविताज किचन वाले के। हाँ मेरे तो 851 एक साल में भी नहीं आते। और ये आटा और चीनी दूध का मालपुआ ये तो मैंने 2 साल पहले डाला था जिस पे 851 तो अभी तक नहीं है, इसके 2 मिनट में हो गए क्या व्यूज? 851 इस पे कहाँ है? मैं कुछ हो अपलोड में लगी हूँ, वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ये करूँगी पहले उसके बाद वो करूँगी। तो गाइज वीडियो अपलोड होने में लग रहा है टाइम, तो यहाँ पे ले आई हूँ मैं ये डब्बा काजू कतली का, और इसमें से निकलेंगे हमारे सुई धागे। तो काजू कतली के डब्बे में हमने सुई धागे रख रखे हैं, कोई देखेगा तो सोचेगा भी काजू कतली है, पर इसमें तो क्या ही निकला है। तो चलो सिलाई करते हैं। तो ग्रीन हमें धागा भी मिल गया है ग्रीन के लिए, और सुई भी मिल गई है। तो फटाफट से सुई में धागा डालेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। तो गाइस ऐसा कुछ ना मैं वैसे पहली बार कर रही हूँ, मैंने कभी ऐसे कुछ कवर किसी चीज़ के लगाया नहीं है, मतलब ऐसा कोई बैठने वाला या फिर चारपाई ऐसे, मतलब गांव में होता था चारपाई के भी मम्मी लोग चढ़ाते थे ऐसे पर्दा, जिससे ना चारपाई का जो ये बेस होता ना डोरी होती है ये गंदी नहीं होती, तो वो लोग करते थे, उनको देखा हुआ है बट मैंने खुद से कभी किया नहीं है। तो ये दुपट्टा मैं चारों तरफ इसके लगा रही हूँ, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो ये इसके ये पहिए है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको हम मारवाड़ी में तो पागे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, इसको नहीं ढकना था मुझे। और अभी देखो ये इस तरीके से मैं पकड़ के पूरा ये सिलाई करूँगी, इधर से सिलाई होएगी और फिर ये इधर से सिलाई होएगी, तो ये पूरा हो जाएगा अच्छे से, और टाइट टाइट करना है ताकि उधर से लूज ना रहे और ये जल्दी से निकले नहीं दुपट्टा हमारा। तो मेरी शादी को 13 साल हो गए, जो पहला वाला कवर था ना वो ये एक्चुअली मेरी शादी के लिए ही मम्मी जी ने मंगवाया था, ऐसे बोलते हैं कि बहू आती है तो इस पे बैठती है पिड्डे पे, पिड्डा बोलते हैं हम लोग इसको, तो इसलिए उसके लिए मंगवाया गया था, और तब से मैं बैठ रही हूँ इस पे तो ये इधर ही रखा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में मैं इसी पे बैठ के खाना खाती हूँ। और इसका कवर इतना गंदा हो गया था, तब से ही लगा हुआ था, इसको खोला ही नहीं था, बट अब फाइनली मैंने इसको चेंज करने का सोच लिया था, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो अभी एकदम नया नया हो गया, होली पे नया नया पिड्डा हमारा, और इस पे बैठ के हम क्या करेंगे, होली माता जी माएंगे तो ये मतलब बेसिकली डेली काम आने वाली चीज़ है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं तो इसी पे खाना खाती हूँ, तो बस मैंने कर लिया इसको नया नया और सिलाई कर ली। और देखो कैंची तो ले नहीं रही हूँ, मुँह से ही लगी हुई हूँ तोड़ने इसको, तो ऐसे ही पूरा। कल ना अनवी का फर्स्ट डे था कॉफ़ी बनाने का, तो उसमें इसने चीनी भी कम थी कॉफ़ी भी कम थी,
बट आज जो कॉफी इसने बनाई है मतलब एकदम तगड़ी वाली, एकदम ऐसे मजे आ गए, ऐसी वाली कॉफी बनाई है। आपने जो बताया था ना 1.5 चम्मच कॉफी और 3 चम्मच चीनी, मैंने ना गलत डाल दिया। मैंने ना 2 चम्मच कॉफी और 3 और आधी चम्मच चीनी। अच्छा, तभी चीनी थोड़ी सी ज्यादा है। हल्की सी ज्यादा है चीनी, बट कोई नहीं, मतलब कॉफी एकदम कमाल की है, बहुत टेस्टी कॉफी बनाई है इसने। थैंक यू अनवी दीदी, वेलकम। और अब देखो खुद की चोटी बनाने में लग गया, ऐसे तो नहीं इन किताबों को चाट जाऊं, इन किताबों को चाट जा, चाट लिया लो। सच्चे में चाटने में लगी है। और इधर मेरा वीडियो भी अपलोड हो गया, और यहाँ पे देखो ये भी काम चल रहा है मेरा, थोड़ा सा बच्चा है, फटाफट कर देते हैं इसको, पहले कॉफी एंजॉय करेंगे, कॉफी बनाई है भाई बच्ची ने। ये देखो ये तैयार है, और इस बार मैंने क्या क्या किया है, ये पिछली बार जब हो रखा था ना तो ये कपड़ा सिर्फ ऐसे इस तरीके से आ रखा था, है ना, इधर से ऐसे आगे और नीचे की तरफ जा रहा था। ये जो इसके पहिए हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसको, घुटने जो है ये बाहर निकले हुए थे, अभी हमने इन घुटनों को ढक दिया है, तो ये ऐसा कुछ कर दिया। मुझे सिलाई करने के बाद याद आया कि ये कपड़ा इस तरीके से लेना था। ऐसे काट देते हैं, क्यों काट देते हैं, काटेंगे तो फिर ये पूरा है ना इकट्ठा सा हो जाएगा, पर ये ऐसे भी चल जाएगा ना, अच्छा है ना, ये गंदे नहीं होंगे इसके घुटने। इसके घुटने में, इसके घुटने गंदे नहीं होंगे। तो ये मेरा जो काम है वो हो गया, अब वो एक पर्दे का काम बचा हुआ है, वो थोड़ा सा देखो सिलाई उसकी उधड़ गई है, तो वो मुझे करना है, वो मैं अभी थोड़ी देर में करूंगी। अभी ये देखो क्या कर रही है, ये देखो मैंने अम्मा के बाल में क्या से क्या बना दिया, मतलब आपको बिफोर रिजल्ट्स देखने चाहिए था आपको। बिफोर में बोलना कि गंदे जंगल बन रखा था, वो पूरा उलझ रखे थे और इसने सुलझाए हैं, और मेरे बाल धोने के बाद तो और भी व्हाइट हो गए, बाप रे एकदम बुढ़ापे की तरफ आ गई हूँ मैं। मगर यूनिक व्हाइट, अरे मम्मा को वो यूनिक गोल्डन बाल, तो तोड़ मत देना, तो वैसे ही तूने बहुत तोड़ दिए, इसने सुलझाने सुलझाने के चक्कर में इतने सारे बाल तोड़ दिए मेरे, देखो जो कि धागे के साथ बाहर आ रहे थे ऐसे ही। वो तो अभी झाड़ू पोछा हो रहा है, पंखे चल रहे हैं, पर्दे उड़ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, और बस यही है। ये अनवी ने देखो मेरी क्या हेयर स्टाइल बनाई है, इधर से ऐसे ऐसे बांध के, और ये क्लिप लगाई है, और मैंने इसको ही अपना टेबल बना लिया, इधर से भी पूरा स्टिच हो गया, देखो कैसा लग रहा है, है ना, और ये मेरा टेबल बन गया। अब इस पे मैं लैपटॉप, ऐसे लैपटॉप भी रख सकती हूँ, और ये बोल रही है मेरा पेपर बना के दो मम्मा, पहले तो पहले इसका पेपर बनाते हैं, फिर ये बैठे बैठे करेगी। अर्णव का भी आने का टाइम हो गया है, और मुकेश लेने चला गया है, और मुझे नींद आ रही है, पढ़ाई किताबें सामने आते ही नींद आ रही है, मेरे को किताबें सामने आते ही नींद आने लग गई है। देखो ये मम्मा कैसे कूड़ा कबाड़ा कर देती हैं। तो मैथ प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती, हम तो ऐसे ही सॉल्व करते थे प्रॉब्लम। मैंने कराया, ओके, अब मेरा ये मैंने कराया, बताओ कौन सा सही है, ये या फिर वो आपका, ये कहाँ गया, ये कूड़ा कबाड़ा, हम तो ऐसे ही करते थे। देखो ये या फिर ये, तो रफ कॉपी में तो ऐसे ही करते हैं, रफ नहीं है, रिवीजन है, तो रिवीजन किया है कि मैंने तो रफ ही किया है ना, मैंने तो रफ वर्क करोगे ना, तो मैंने तो रफ वर्क ही किया ना। ये वाले चैप्टर्स आ रहे हैं आपको, इनमें से टेस्ट बनाने करो, तो पूरे का ही कि तूने ये 11-14 चैप्टर कर लिया? हाँ कर लिया। ठीक है, तो फिर मैं इसमें से भी दूंगी, दे देना। ठीक है, तो चलो इसका पेपर बनाते हैं अभी। तो गाइस कल के जैसे आज भी मैं ले आई हूँ बाल्टी में भर के कपड़े, और पर्दे भी धुल गए हैं, पर्दे को भी सुखाना है, पहले ये सुखाऊंगी उसके बाद पर्दे सुखाऊंगी। लीजिए फ्रेंड्स मेरी ये वाले कपड़े तो यहाँ पे सूख गए, अब पर्दे सुखाएंगे अंदर। ये लीजिए फ्रेंड्स कल के जैसे ही आज भी मैंने पर्दे जो हैं स्टोर रूम में डाल दिए हैं, एक बेडशीट भी धोई थी वो यहीं बाहर डाल दी, और अभी मैं सोच रही हूँ कि अब छत की सफाई कर दूँ, दो दिन से सोच रही हूँ, बट कल पानी नहीं था इस वजह से हुई नहीं, आज पानी है तो देखो गंदी हो रही है पूरी, फिर यहाँ पे होली के भी वो बनाएंगे हम बड़कुल्ले, तो इसलिए भी छत ऐसे सुंदर सुंदर लगनी चाहिए ना, और काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ सफाई कर ही देती हूँ। तो चलिए पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी उसके बाद इसको धोऊंगी, तो फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं चलो।
बीच में ना बहुत गंदा मतलब हो रखा है, लेकिन ये सारे पौधे तो हटाना मेरे बस की है नहीं। जितना मुझसे हटा मैं हटा के ये कचरा तो निकाल के लाई हूँ, ये दो ही पौधे हटे हैं मुझसे, बाकी पूरा तो करना मेरे बस का है नहीं, है ना। तो मोटा मोटा जितना मुझसे होगा उतना मैं करती हूँ, उसके बाद वॉश कर दूंगी छत को। और देखो बीच में कितना कचरा हो रखा है, बीच में बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो ये पूरा हटा हटा के करना पड़ेगा, तो ये मेरे बस का नहीं है। पतिदेव जाने और उनका काम जाने, मैं तो मोटा मोटा ही करने वाली हूँ, क्योंकि तो होली पे मुझे यहाँ यहाँ पे बनाएंगे, तो ये वाला स्पेस अच्छा चाहिए। तो अभी मैं एक बार वॉश कर दूँगी ना, क्योंकि तो अभी परसों ही बनाएंगे शायद वो, तो सही रहेगा, फिर सिर्फ झाड़ू लगानी पड़ेगी और अच्छे से हो जाएगा। तो चलो अब करती हूँ मैं ये। गाइस झाड़ू मैंने लगा दी, आपको लग नहीं रहा होगा मैंने झाड़ू लगाई है, फिर भी इतना कचरा इसमें इकट्ठा किया है मैंने, ये देख लो आप, पर मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और देखो फिर उड़ उड़ के आ रहा है बीच बीच में से, क्योंकि हवा चल रही है, अभी तो रुकी है पर मैं जब कर रही थी तब बहुत हवा चल रही थी। और तीन बार इकट्ठा किया है मैंने कचरा और डाला है इसमें, पूरा भर दिया। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, पहले पूरी छत को गीला करेंगे, थोड़ा सा सर्फ डालेंगे, रगड़ेंगे और उसके बाद इसको निकालेंगे पूरा, तो उसी से ये मिट्टी जो जम गई है ना वो निकलने वाली है। तो पहले मैं पूरी छत को गीला कर लेती हूँ, उसके बाद इस पर सर्फ डाली जाएगी, ठीक है। अभी मेरे साथ हो गई एक चोट, क्या हुआ, मैंने पानी और सर्फ तो डाल दिया और जो रगड़ने वाली झाड़ू आती है ना वो नीचे ही पड़ी है, तो मैंने लिया है ये ज़्यादा झटकाने वाला, इससे मैं रगड़ने वाली हूँ। तो पानी और सर्फ को थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स कर देंगे, तो क्या होगा ना पूरा फैल जाएगी ये। तो ये होता है भैया जुगाड़ू, जुगाड़ बिठा लिया मैंने, अभी पूरा इसको फैला देंगे। बेसिकली हमें फैलाना ही है सर्फ को, तो उसके लिए कुछ भी करो। देखो यहाँ पे कितनी सर्फ गिर गई, अभी और पानी भर के लाती हूँ मैं, फिर फैलाएंगे। ये हमारी बुआ चढ़ी हुई है छत धोने के लिए, तो लगे हुए हम छत धोने होली के लिए। और ये देखिए सर्फ रगड़ दी है मैंने, पर अभी पानी निकाल रहे हैं, पूरा काला काला निकल रहा है यहाँ से, देखो पूरा काला काला। तो दिया चढ़ जाओ चढ़ जाओ। तो लीजिए गाइस मेरी छत जो है वो धुल गई है लास्ट, बस ये पोछा मैं मार रही हूँ सूखा इसके ऊपर, ताकि जल्दी से ये सूख जाए और कुछ भी कहीं पे भी दाग धब्बा है वो भी हट जाए। एक्चुअली ना पौधे और गमले इतने हैं ना, तो थोड़ी मिट्टी तो निकलती रहती है ना, कितना भी मार लो पानी, लेकिन मिट्टी किधर ना किधर से गमलों के नीचे से निकल ही रही है, तो उसका कोई एंड ही नहीं हो रहा। मैंने तीन चार बार धो दी है छत को, लेकिन देखो मिट्टी निकले ही जा रही है, तो मैंने बस यहीं पे इसको रोक दिया है। अभी परसों जब वो बनाएंगे ना, तब एक बार छत पे या तो पोछा मार दूंगी या झाड़ू लगा दूंगी, दोनों में से एक तो कुछ कर दूंगी, तो हमारी छत सुंदर सुंदर लगेगी। और ये लीजिए पूरा क्लीन जो है, यहाँ पे देखो कितनी मिट्टी आ गई, और ये ना निकल ही नहीं रही थी, मैं इतना वाइपर मार रही थी, और इधर तो इतने गमले हैं कि मिट्टी जो है वो निकले जा रही है, निकले जा रही है, एंडलेस है, कोई एंड नहीं है। बस हो गया, इतना ही होएगा मुझसे, सारा यहाँ पे लाके छोड़ दिया है हमने। और अभी इसको ना मैं पिछली बार भी यहाँ पे टंगा के गई थी, अभी भी यहाँ पे टांग देती हूँ कहीं पे, तो कैसे टांगूंगी इस बार ना, काट दी है इसको बेल को, कैसे टांगू, रुको एक सेकंड, ऐसे ही टांग दिया मैंने इसको, खड़ा कर दिया है, पूरा बह रहा है नीचे, पानी गिर जाएगा पौधों में। और यह हो गई छत साफ, जितनी मुझसे हो सकती थी उतने। तो ये आया हमारा खाना, तो ये ना पापड़ की सब्जी है लहसुन वाली, टेस्टी। और ये देखिए इधर, कुछ भी, अब तो होमवर्क कर ले, कुछ भी, कब से पढ़ा है इसके आगे। और बहुत ही टेस्टी सी सब्जी है, एकदम चटपटी सी, मैं और अनवी खा रहे हैं इसमें ही, मस्त। तो ये इतनी बड़ी लड़की को भी ना मुझे खिलाना पड़ रहा है, एग्जाम चल रहे हैं भैया, तो हम पढ़ेंगे या आप खिलाओ, है ना।
और ये देखो इसको कोई मधेला ही मतलब नहीं है इस लड़के को, पड़ा पड़ा सिर्फ ये फालतू चीजें देखता रहता है। क्यों क्यों गाइस, बाहर का हाल कुछ ऐसा है, खाना खा लिया, थोड़ा सा घूम लेते हैं। अन्वी ने एक रोटी मेरे को ज्यादा खिलाती क्योंकि लेकर वो खुद आई थी और खिला दी मुझे, मुझे खानी पड़ी फिर, बट कोई नहीं अब घूम लेते हैं थोड़ा। आज वैसे भी छत धोई थी तो मेहनत की थी तो चल जाएगी, तो वॉक करती हूँ और ये ब्लॉग मैं यहीं पेंड कर रही हूँ। ज़्यादा तो ब्लॉग आज बना नहीं, बट जितना भी बना आई होप आपको पसंद आया होगा। आया हो तो क्या करना है आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।